Good morning to the students of class 4. I am Radhima Miss, your SST teacher. ये आप लोग के chapter 4th के question answer का video है. Chapter 4 आप लोगों को पढ़ा दिया गया है. Chapter 4 का name था Western Desert. इसमें desert का क्या climate होता है, वहाँ के लोगों का lifestyle कैसा है, वहाँ का visitation कैसा है, कैसे animals वहाँ पे रहते हैं, ये सारा कुछ आपने इस chapter में पढ़ा था, है ना? आज हम उसी चैप्टर में जो क्वेश्चंस आपको दिए गए हैं उस उनके क्वेश्चन आंसर आज हम लोग बनाएंगे, ठीक है? तो सबसे फर्स्ट है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन. आंसर द फॉलोइंग का सबसे फर्स्ट नंबर है डिस्क्राइब द क्लाइमेट ऑफ द थार डेजर्ट. थार डेजर्ट का क्लाइमेट कैसा है, क्या है, वो आपको बताना है, ठीक है? लिखते हैं आंसर. ये आंसर आप अपनी कॉपी में अच्छे हैंड राइटिंग में नोट करते जाइएगा, ठीक है? स्टार्ट करते हैं. आंसर लिखिए, द क्लाइमेट ऑफ थार डेजर्ट इज ऑफ द एक्सट्रीम टाइप. द डेज आर प्लीजेंट एंड द नाइट आर कोल्ड इन विंटर्स. इन समर द डेज आर वेरी हॉट एंड द नाइट आर कूल. हो गया, थार डेजर्ट का क्लाइमेट तो हो गया. थार डेजर्ट का क्लाइमेट एक्सट्रीम टाइप का होता है. दिन जो है प्लीजेंट होता है, अच्छा होता है, और नाइट रात में जो है ठंड बढ़ जाती है विंटर्स सीजन में. समर सीजन में दिन में बहुत ज़्यादा गर्मी होती है और रात ठंडी हो जाती है. क्यों हो जाती है, रीज़न भी बताया था, क्योंकि यहाँ पे सॉइल के बजाय सैंड का लेयर है और सैंड का क्वालिटी है वो जितनी जल्दी हीट अब्जॉर्ब करता है उतनी ही जल्दी वो हीट लूज भी करता है, है ना? ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर हो गया. अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज एन ओएसिस, व्हाई इज इट इम्पॉर्टेंट फॉर पीपल इन द डेजर्ट. आंसर लिखेंगे, ओएसिस आर स्मॉल वाटर पूल्स दैट स्प्रिंग अप एट सम प्लेसेस इन द डेजर्ट. पैराग्राफ चेंज करके या एक लाइन छोड़कर लिख सकते हैं. इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर पीपल इन द डेजर्ट. दे ग्रो क्रॉप्स लाइक ज्वार एंड बाजरा अराउंड ओएसिस फुल स्टॉप. मोस्ट ऑफ द विलेजेस कम अप अराउंड सच ओएसिस. हो गया आंसर. अब आते हैं थर्ड क्वेश्चन पे. नहीं, थर्ड क्वेश्चन है, व्हाई इज इंदिरा गांधी कैनाल इंपॉर्टेंट फॉर राजस्थान. इंदिरा गांधी कैनाल जो बना है राजस्थान में वो क्यों इंपॉर्टेंट है वहां के लोगों के लिए. आंसर लिखेंगे, द इंदिरा गांधी कैनाल इज इंपॉर्टेंट फॉर द पीपल ऑफ द रीजन बिकॉज इट कैरीज वाटर फ्रॉम रिवर सतलज टू थार डेजर्ट फॉर डोमेस्टिक यूज एंड इरीगेशन. हो गया, अब नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन. चलिए नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है, हु आर नोमैड्स, वाई डू दे कीप वॉन्डरिंग. मतलब नोमैड्स कौन है और वो क्यों वॉन्डरिंग करते हैं, मतलब एक जगह से दूसरी जगह वो क्यों घूमते रहते हैं. आंसर लिखेंगे, नोमैड्स आर द पीपल हु ट्रैवल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस इन सर्च ऑफ फूड एंड शेल्टर फॉर देमसेल्व्स एंड देयर एनिमल्स. नोमैड वो लोग हैं जो ट्रैवल करते एक जगह से दूसरी जगह अपने और अपने एनिमल्स के लिए खाने और रहने की जगह की तलाश में, ठीक है? पैराग्राफ चेंज करके लिखेंगे. सेकेंड क्वेश्चन जो है, वाई डू दे कीप वॉन्डरिंग, उसका आंसर, दे कीप वॉन्डरिंग फ्रॉम प्लेस टू प्लेस इन सर्च ऑफ फूड फॉर देयर कैटल एंड टू सेल देयर हैंडीक्राफ्ट्स. वो एक जगह से दूसरी जगह वॉन्डरिंग करते हैं, घूमते हैं, पहला तो खाने की तलाश में और अपने और अपने एनिमल्स के लिए खाने की तलाश में, और दूसरा जो उनका हैंडीक्राफ्ट वर्क होता है, जो उनकी हाथ से बनाई हुई चीज़ें हैं उनको सेल करने के लिए वो घूमते हैं, ठीक है? क्वेश्चन आंसर हो गया. अब जो चैप्टर में आपको ऑब्जेक्टिव्स दिए गए हैं उसके आंसर बता रही हूँ. ऑब्जेक्टिव आप अपने बुक में नोट कर लीजिएगा, और जो भी क्वेश्चन आंसर बताए गए हैं वो आप अपने कॉपी में अच्छी हैंडराइटिंग में नोट कर लीजिएगा और इसको लर्न भी करते जाइएगा, ठीक है? अब बनाते हैं ऑब्जेक्टिव्स. फर्स्ट है टिक द करेक्ट ऑप्शन. इसमें से जो सही ऑप्शन है उस पर टिक करना है. फर्स्ट है आपका, इट इज ऑल्सो नोन एज द पिंक सिटी. पिंक सिटी के नाम से किसको जानते हैं? ऑप्शन है जोधपुर, उदयपुर या जयपुर. तो राइट आंसर हो जाएगा जयपुर. एक और ऑप्शन है बीकानेर. तो राइट आंसर इसका जयपुर. जयपुर इज ऑल्सो नोन एज द पिंक सिटी. सेकेंड है, दीज हिल डिवाइड राजस्थान इन टू पार्ट. राजस्थान को कौन से हिल दो पार्ट में डिवाइड करती है, ईस्टर्न और वेस्टर्न राजस्थान में? तो होगा आंसर इसका अरावली हिल्स. अरावली हिल्स जो है राजस्थान को दो पार्ट में बांटती है, दो हिस्सों में डिवाइड करती है, ईस्टर्न राजस्थान एंड वेस्टर्न राजस्थान, ठीक है? द फॉलोइंग ट्री डज नॉट ग्रो इन डेजर्ट. इन सारे ऑप्शन में से कौन सी ट्री है जो डेजर्ट में ग्रो नहीं करती है? बबूल ग्रो करता है, कीकर ग्रो करता है, डेट पाम भी ग्रो करता है. द
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कोकोनट. कोकोनट जो है ये डेजर्ट एरिया में ग्रो नहीं करती है. नेक्स्ट है दिस क्रॉप ग्रोन इन डेजर्ट. इसमें से कौन सा क्रॉप जो है डेजर्ट एरिया में ग्रो किया जाता है, ज्वार, बाजरा, मेज या ऑल ऑफ दीज. कौन सा राइट आंसर है, तो ऑल ऑफ दीज. ज्वार भी ग्रो करते हैं, बाजरा भी ग्रो किया जाता है और मेज भी. तो ऑल ऑफ दीज इसका राइट आंसर होगा. ठीक है, नेक्स्ट है नेम द फॉलोइंग या वन वर्ड आंसर. शिप ऑफ द डेजर्ट किसको बोलते हैं, तो कैमल. स्मॉल हिल ऑफ सैंड, स्मॉल हिल ऑफ सैंड क्या होगा, सैंड ड्यून्स. द सिटी ऑफ लेक्स एंड पैलेसेस, तो उदयपुर को कहा जाता है द सिटी ऑफ लेक्स एंड पैलेसेस. अ फेस्टिवल ऑफ राजस्थान, राजस्थान के किसी एक फेस्टिवल का नाम बताना है तो गनगौर लिख लेंगे, GANGAUR. ट्रेडिशनल फूड ऑफ राजस्थान, राजस्थान का ट्रेडिशनल फूड क्या है, लिखेंगे दाल बाटी चूरमा, DAL-BAATICHOORMA. हो गया, टेक द करेक्ट ऑप्शन एंड नेम द फॉलोइंग, दोनों हो गया. अब आते हैं नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव पर. नेक्स्ट है ड्रॉ स्माइलीज फॉर ट्रू एंड फॉल्स स्टेटमेंट. ठीक है, पीपल ऑफ राजस्थान डू नॉट लाइक वियरिंग ब्राइट कलर्स, तो ये रॉन्ग है. तो इसमें इस टाइप का स्माइली बनेगा, सैड स्माइली. राजस्थान के जो लोग हैं वो ब्राइट कलर्स पहनते हैं. ठीक है, राइस इज ग्रो अ लॉट इन राजस्थान, नहीं, राइस राजस्थान में ग्रो नहीं करता है क्योंकि राइस को ग्रो करने के लिए वाटर की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है. तो इसमें भी सैड स्माइली बनेगा. ठीक है, राजस्थान हैज़ मेनी हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स, राजस्थान में बहुत सारे ऐतिहासिक मॉन्यूमेंट्स हैं, किले हैं. हाँ, तो हाँ इसमें स्माइली फेस बनेगा. ठीक है, विलेजेस ग्रो अराउंड ओएसिस, ये तो चैप्टर में पढ़ा था कि ओएसिस के किनारे जो है कुछ विलेजेस ग्रो कर होते हैं और वहाँ पे कुछ क्रॉप्स वगैरह ग्रो किए जाते हैं. तो यहाँ पे भी हैप्पी स्माइली बनेगा. लाइफ इन द डेजर्ट इज़ वेरी इजी एंड कम्फर्टेबल, डेजर्ट में जो लोग रहते हैं उनका लाइफ बहुत ईजी एंड कम्फर्टेबल होता है. तो इसमें सैड स्माइली बनेगा, उनका लाइफ ईजी एंड कम्फर्टेबल नहीं होता है, उन्हें बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है. वहाँ का क्लाइमेट बहुत ज़्यादा हार्श होता है, टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई होता है, जिस कारण से उन्हें बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं. ठीक है, तो चैप्टर का ऑब्जेक्टिव भी हो गया, चैप्टर का क्वेश्चन आंसर भी हो गया. अब इस चैप्टर का गिव रीजन बचा है, जो कि आपको नेक्स्ट वीडियो में, इस चैप्टर में जो गिव रीजन दिए गए हैं क्वेश्चन नंबर 3 में, वो आपको करवा दिए जाएंगे. जो भी ऑब्जेक्टिव बताया गया है ये आप अपने बुक पे नोट कर लीजिएगा, टिक कर लीजिएगा, नेम द फॉलोइंग लिख लीजिएगा एंड क्वेश्चन आंसर आप अपनी कॉपी में लिख लीजिएगा अच्छी हैंडराइटिंग में, और सब लर्न करते जाइएगा. ठीक है, थैंक यू.